नमस्कार। ओटू हेड को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है कि लगातार जो है वो ओटू हेड में घग्गर नदी का जल स्तर जो है वो कम होता हुआ जा रहा है। तो ऐसे में बता दें कि इससे पहले जहां पे घग्गर नदी ने जो है वो तमाम लोगों के ग्रामवासियों के होश उड़ाए हुए थे कि न जाने कब पानी जो है वो गाँव के अंदर घुस जाएगा और बाढ़ आने की पूरी पूरी संभावना जो है वो कुछ क्षेत्रों में दिखाई दे रही थी और कुछ क्षेत्रों में बाढ़ के पानी ने या घग्गर नदी के पानी ने जो है वो अपनी चपेट में ले लिया था। तो ऐसे में जैसे लगातार घग्गर का जल स्तर बढ़ता जा रहा था तो उसको देख करके हर कोई जो है वो चिंता में था, परेशानी में था। जैसे तैसे करके तमाम लोगों ने जो है वो अपनी गांव की ओर जो पानी ना जाए, गांव के अंदर पानी ना घुसे, ऐसे लिए अपने बंदोबस्त जो है वो पहले से ही कर रखे थे। लेकिन जैसे ही घग्गर नदी में जो है वो पानी कम होना शुरू हुआ तो लोगों ने जो है वो कुछ राहत की सांस जो है वो ज़रूर ली है। तो ऐसे में ओटू हेड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार कि लगातार जो है वो ओटू हेड पे जल स्तर जो है वो कम होने की सूचना जो है वो मिल पा रही है। अगर सुबह के समय में अगर बात करें तो ओटू हेड पे 42,000 क्यूसिक पानी जो है वो 23 जुलाई को सुबह 6 बजे जो है वो दर्ज किया गया था और राजस्थान की ओर अगर बात करें तो 38,000 क्यूसिक पानी जो है वो दर्ज किया गया था। उसके बाद अगर 23 जुलाई की शाम की बात करें तो 1400 क्यूसिक पानी जो है वो कम होने की जो वो रिपोर्ट दर्ज की गई है। अब ऐसे में अगर बात करें तो ओटू हेड पे जो है वो 40,600 क्यूसिक पानी जो है वो दर्ज किया गया है और राजस्थान की ओर अगर बात करें तो 38,600 क्यूसिक पानी जो है वो दर्ज किया गया है। तो ऐसे में बहुत बड़ी अपडेट है और बहुत बड़ी राहत भरी खबर इसको हम कह सकते हैं कि ओटू हेड पे लगातार पानी जो है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पीछे की अगर बात करें तो सरदूलगढ़ में जो है वो पानी काफ़ी हद तक कम हुआ है और सरदूलगढ़ की अगर बात करें तो जहाँ पे 25 फीट गहरा पानी जो है वो बह रहा था तो वहाँ पे जो है वो 22 फीट के लगभग जो है वो पानी की मात्रा जो है वो दर्ज की गई है और क्यूसिक की अगर बात करें तो 50,000 क्यूसिक से नीचे पानी जो है वो होने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। तो ऐसे में लगातार जो है वो घग्गर नदी का जल स्तर कम होता हुआ जैसे लोगों को पता चला तो लोगों ने कुछ राहत की सांस जो है वो ज़रूर ली है। लेकिन एक अपील, एक निवेदन आपसे ये भी है कि जैसे जैसे घग्गर नदी का पानी कम हो रहा है वैसे वैसे जो है वो आप निश्चिंत मत होइएगा क्योंकि प्राकृतिक आपदा का कोई पता नहीं है, कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। तो ऐसे में आप कुछ दिनों तक जो है वो सचेत जरूर रहिएगा, अपने अपने गांव के पास जो है वो बने बांध पे लगातार जो है वो निगरानी करते रहिएगा जिससे कि किसी भी तरह की अनहोनी घटना से जो है वो बचा जा सके। खैर फिलहाल पानी उतरने की खबर से जो है वो लोग राहत लोगों ने ज़रूर महसूस की है लेकिन अभी तक इतना जो है वो राहत लोगों ने नहीं समझी है। लगातार जो है वो बांधों पे टिकरी पहरा जो है वो लगाए हुए हैं और ये पहरा जो है वो आगे कंटिन्यू रहना चाहिए क्योंकि पीछे से और पानी आने की बात कही जा रही है। तो वो पानी अभी तक यही बात सामने आ रही है कि उस पानी से इतनी घबराने की बात नहीं है, जब तक वो पानी यहाँ पे आएगा तो ये पानी जो है वो डाउन चला जाएगा तो वो पानी जो है वो धार में बेहतर रहने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। तो ऐसे में कुछ 10 दिन या 12 दिन तक जो है वो आप अपने बांधों की निगरानी और रखिएगा, उसके बाद आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है उसके हिसाब से जो है वो आगे का फैसला जो है वो लिया जा सकता है।